दोस्तों, मेरे चैनल पर बहुत से पुरुष कमेंट करते रहते हैं कि उनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो जाता है। सफ़ेद दाढ़ी को जड़ से काला करने का तरीका पूछते हैं। ऐसे तो मेरे पास सफ़ेद दाढ़ी को फिर से काला करने का अभी तक कोई भी रिव्यूज़ नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सही तरीके से गाइड कर सकूँ। और जब आपको इसका सही रिज़ल्ट मिले तो आप लोग मेरे साथ अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करना, ताकि दूसरों को प्रॉपर गाइडेंस और मोटिवेशन मिल सके। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आज की जो टिप्स मैं बताने वाली हूँ वो सिर्फ दाढ़ी के बालों को ही काला नहीं करेगी, बल्कि आईब्रोज के बाल और पुरुषों के हाथ, पैर और छाती के बालों को भी काला करेगी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि दाढ़ी के बाल, आईब्रोज के बाल और शरीर के बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से इस तरह की समस्या हो सकती है। नंबर 1, स्मोकिंग। अगर आप किसी भी तरह की गलत आदतों के शिकार हैं, जैसे कि स्मोकिंग या गुटखा या तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन करना, इन चीज़ों के सेवन से रक्त अशुद्ध हो जाता है, नतीजा दाढ़ी, आईब्रोज और शरीर के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। नंबर 2, धूप में ज़्यादा एक्सपोज होना। अगर आप दोपहर की तेज़ धूप में अपने चेहरे और अपने शरीर को एक्सपोज करते हैं, तो सूरज की तेज किरणें आपके काले बालों को तेज़ी से सफ़ेद करने लगती हैं। बालों को काला रखने के लिए धूप बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि धूप से हमें विटामिन D3 मिलता है और विटामिन D3 की कमी से भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। लेकिन सिर्फ सुबह की हल्की धूप और शाम की ढलती धूप ही फ़ायदेमंद होती है। आप अपनी कितनी भी केयर करें, लेकिन दोपहर की धूप में एक्सपोज होने से आपके बाल कभी भी काले नहीं हो पाएंगे। नंबर 3, स्ट्रेस। स्ट्रेस काले बालों को सफ़ेद करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। जितना हो सके आप खुद को स्ट्रेस फ्री रखें। नंबर 4, जंक फूड एंड डीप फ्राई फूड। जंक फूड आपके डाइजेशन को कमज़ोर करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को भी कमज़ोर करता है। इसके अलावा डीप फ्राई चीज़ें बेहद नुकसानदेह होती हैं, जैसे कि वड़ा पाव, समोसा, भटूरा, कचौरी। इन सभी चीज़ों का सेवन करने से सिर के बाल, दाढ़ी के बाल और शरीर के बाल तेज़ी से सफ़ेद होने लगते हैं। नंबर 5, हेयर ब्लीच और हेयर कलर। अगर आपकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद होना शुरू हो चुके हैं और आप उन पर केमिकल बेस्ड हेयर डाई का इस्तेमाल करेंगे, तो बालों की सफ़ेद होने की रफ्तार तेज हो जाती है। इसीलिए केमिकल डाइज का इस्तेमाल ना करें। नंबर 6, अल्कोहल। अल्कोहल का सेवन करने से भी ये समस्या आ जाती है। नंबर 7, जेनेटिक। जेनेटिक रीज़न की वजह से भी सफ़ेद दाढ़ी की समस्या आ जाती है। नंबर 8, न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। पोषक तत्वों की कमी से भी दाढ़ी, आईब्रोज और शरीर के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। कुछ तो ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जिनकी कमी से तुरंत ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, फिर चाहे सिर के बाल हो या दाढ़ी के। शरीर के और दाढ़ी के बालों को फिर से काला रखने के लिए विटामिन B12, बायोटिन, आयरन, विटामिन B9, कॉपर, विटामिन C, विटामिन D3, विटामिन E बहुत ही असेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स माने जाते हैं। विटामिन B12 वेजिटेरियंस लोगों को बहुत ही कम सोर्सेस से मिलता है, उसमें डेयरी प्रोडक्ट में मिल सकता है, जैसे कि सफ़ेद मक्खन, पनीर, चीज़ और केले के छिलके में भी विटामिन B12 पाया जाता है। केले के छिलके को किस तरह से खाना चाहिए उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। उसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है, आप उसे भी खा सकते हैं। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नंबर 9, टी एंड कॉफ़ी। अगर आप चाय और कॉफ़ी का बहुत अधिक सेवन करते हैं तो भी आपकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने की संभावना बढ़ जाती है। चाय अधिक पीने से शरीर में पित्त अधिक होगा, जो हमारे ब्लड को ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से ये समस्या शुरू हो जाती है। नंबर 10, थायराइड। थायराइड से जुड़ी कोई भी बीमारी हो तो आपके शरीर के बाल और दाढ़ी के बाल तेज़ी से सफ़ेद होने लगते हैं। इन सब के अलावा अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं तो भी ये समस्या हो सकती है। पैक फूड या बेक फूड का अधिक सेवन करने से भी ये समस्या हो सकती है। लेज़ी लाइफस्टाइल की वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी वजह से दाढ़ी के और शरीर के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अगर आप अपनी दाढ़ी, आईब्रोज या शरीर के बालों को काला रखना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों से बचना होगा।
दाढ़ी और आईब्रोज या शरीर के बालों को फिर से काला करने की कुछ टिप्स बता रही हूँ। आप इन सभी चीज़ों को एक साथ फॉलो करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। बलायम सिर्फ सिर के बालों को ही काला करता है, शरीर के बालों को या दाढ़ी के बालों को काला नहीं कर सकता है, इसीलिए बलायम को छोड़कर बाकी इन सभी चीज़ों को फॉलो करना। नंबर 1, प्राणायाम। दाढ़ी के बालों को फिर से काला करने के लिए अनुलोम विलोम और कपालभाति बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि अनुलोम विलोम करने से पूरे शरीर को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है और कपालभाति प्राणायाम करने से पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। इसके अलावा अगर आप शीर्षासन या सर्वांग आसन जानते हैं तो वो आप कम से कम 10 मिनट तक जरूर करें। अगर आप ये आसन नहीं जानते हैं तो बिल्कुल ना करें, आप इसे सीखने के बाद ही करें। इन आसन से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। नंबर 2, कॉपर वाटर। सुबह खाली पेट तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं, लेकिन तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी तांबे के बर्तन से ही पिएं। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी किसी अन्य धातु के ग्लास में डालकर ना पिएं। ऐसा करने से उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। शरीर में कॉपर की कमी होने से बाल तुरंत सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि कॉपर की डेली रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल होता है। नंबर 3, हेल्दी डाइट। आपको अपनी डेली डाइट में हेल्दी चीज़ें शामिल करनी चाहिए, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलेड, सीजनल फ्रूट्स, स्प्राउट्स, काला तिल, फ्लैक्सीड, अखरोट, पीनट, डेयरी प्रोडक्ट, पम्पकिन सीड्स। नंबर 4, ब्लैकस्ट्रैप मोलेसिस। ब्लैकस्ट्रैप मोलेसिस बालों को फिर से काला करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके बेहतरीन रिजल्ट आप मेरी रिवर्स ग्रे हेयर सक्सेस स्टोरीज की प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस में देख सकते हैं। ये ढेरों मिनरल से भरपूर होता है, शरीर में खून की कमी को दूर करता है, इसीलिए दिन में 2 बार इसे आप एक एक चम्मच हल्के गर्म पानी में मिलाकर पिए। इसका लगातार सेवन करने से 5 से 6 महीने में इसके विजिबल रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। नंबर 5, आंवला मुरब्बा। रोजाना 2 पीस आंवले के मुरब्बे को पानी से अच्छी तरह से धोकर खाएं। आंवले के मुरब्बे से बाल जड़ से काले होने लगते हैं, फिर चाहे दाढ़ी के बाल हो या शरीर के बाल। अगर आप रोजाना 2 आंवले के मुरब्बे खाते हैं तो इसका रिजल्ट आपको 8 से 10 महीनों में या साल भर में ही मिलेगा, क्योंकि मैंने इसके बहुत से लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं। इसका रिजल्ट देर से मिलता है पर 100% मिलता है। नंबर 6, केमिकल हेयर डाई। ट्रीटमेंट के दौरान आप अपनी दाढ़ी को रंगने के लिए केमिकल का इस्तेमाल ना करें और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार जीरो ब्लेंड कलौंजी ऑयल से हल्के हाथों से मालिश करें, ताकि ये ऑयल आपकी दाढ़ी के हेयर रूट्स में अच्छी तरह से रम जाए। इन सभी चीज़ों को तो फॉलो करना ही है। इसके साथ अगर आप चाहें तो आमल की रसायन आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार लें और वैद्यनाथ सप्तामृत लौह की 2-2 टैबलेट दिन में 2 बार लें। इन दोनों मेडिसिन से आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे और ये मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।